हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हो। अगर दोस्तों आप भी अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल गए हो तो उसे कैसे पता कर सकते हो, एंड आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हो, आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो कैसे करना, चलिए सारा कुछ हम आप लोगों को अपने फोन स्क्रीन पर जाकर बता देते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, आपको साइड में देखने को मिल रहा होगा। तो फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप लोगों को सिंपली प्रोफाइल पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अब आप लोगों को सबसे ऊपर में ही अकाउंट सेंटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसके नीचे ही आप लोगों को सी मोर इन अकाउंट सेंटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो नीचे में आप लोगों को यहाँ पर एक पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे ऊपर में आपको चेंज पासवर्ड और उसके नीचे टू स्टेप ऑथेंटिकेशन और उसके नीचे आप लोगों को सेव्ड लॉगिन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया होगा तो वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको फेसबुक का पासवर्ड पता करना है तो सिंपली आपको फेसबुक वाले आईडी पर क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ है सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, यानी कि मेरा लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेव है, यानी कि मेरा पासवर्ड सेव है। तो उसे पता करने के लिए अब आप लोगों को यहाँ से बैक चले जाना है और अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउजर को सिंपली ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको ऊपर में अपने ईमेल आईडी के लोगो पर सिंपली क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो नीचे में आप लोगों को यहाँ पर गूगल पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन एक देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बहुत सारे यहाँ पर लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेव है और यहीं पे फेसबुक का भी पासवर्ड सेव है। दोस्तों देख सकते हैं facebook.com लिखा हुआ है। तो फेसबुक का पासवर्ड पता करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में मेरा यूजर नेम देखने को मिल रहा है और नीचे में पासवर्ड है। अब पासवर्ड देखने के लिए सिंपली आपको इस आई वाले बटन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप आसानी से अपने पासवर्ड को देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको पासवर्ड यहाँ पर नहीं मिलता है, यानी कि आपने लॉगिन इन्फॉर्मेशन अपना सेव किया हुआ नहीं था पहले कभी, तो फिर आप कैसे पता कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका एक ही तरीका है, आप अपने पासवर्ड को चेंज कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब पासवर्ड कैसे चेंज करना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को फिर से फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है, एंड देन अब आप लोगों को अपने सिंपली प्रोफाइल पर क्लिक करके सेटिंग एंड प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। और इसके बाद फिर से आप लोगों को सी मोर इन अकाउंट सेंटर में चले जाना है। इसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर फिर से पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे ऊपर में ही आप लोगों को चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने फेसबुक आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछेगा करेंट पासवर्ड। अभी दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रोम ब्राउजर से जाकर आप पासवर्ड देख सकते हो। अगर दोस्तों वहाँ पर आपको पासवर्ड मिल गया तो आप यहाँ पर अपना करेंट पासवर्ड डाल दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड डाल दीजिए और रिटाइप न्यू पासवर्ड, फिर से न्यू पासवर्ड को आपको दोबारा डालना है और इसके बाद सिंपली आप लोगों को चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना कीजिएगा तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको क्रोम ब्राउजर में पासवर्ड नहीं मिला गूगल पासवर्ड मैनेजर में, तो अब आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है फॉरगेट पासवर्ड करने का। जी हाँ दोस्तों, फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फॉरगेट योर पासवर्ड। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों आप अपने जिस भी नंबर से अपना फेसबुक अकाउंट बनाए होंगे वो नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उस नंबर से अगर आप व्हाट्सअप चला रहे होंगे तो सबसे ऊपर में आपको व्हाट्सअप वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने अपने फेसबुक अकाउंट से कोई भी ईमेल आईडी लिंक किया होगा तो ईमेल आईडी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके नीचे आप लोगों को SMS का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर SMS के द्वारा, व्हाट्सअप पे मैसेज के जरिए और ईमेल के जरिए आप कोड मंगवा सकते हैं और उस कोड को आप डालिएगा तभी आप पासपोर्ट चेंज कर पाएंगे। तो चलिए हम व्हाट्सअप के जरिए मंगवा लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाले पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर 6 डिजिट का कोड डालना है जो कि आपके नंबर पे आया होगा। तो मैंने व्हाट्सअप सेलेक्ट किया था, जैसा कि दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि व्हाट्सअप पे कोड गया है। तो मेरे पास कोड आ चुका है व्हाट्सअप पे, चलिए हम यहाँ पर कोड डाल लेते हैं। कोड डाल लेने के बाद अब आप लोगों को सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एंटर ए न्यू पासपोर्ट। अब आप लोगों को यहाँ पर अपना नया पासपोर्ट डालना है। अब आप लोगों को पुराने पासपोर्ट से कोई भी मतलब नहीं है, तो आप जो भी पासपोर्ट अपना रखना चाहते हैं नया पासपोर्ट वो डाल लीजिए। लेकिन दोस्तों आप इजी पासपोर्ट नहीं रखिएगा, यानी कि आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मत रखिएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट रखिएगा। पासपोर्ट में आप लोग लेटर नंबर और कुछ सिम्बॉल का यूज कीजिए ताकि कोई भी आसानी से आपके पासपोर्ट को गेस ना कर सके और आपका आईडी सेफ रहे। तो चलिए हम यहाँ पर नया पासपोर्ट एंटर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना नया पासपोर्ट डाल लिया। अब आप लोगों को सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका पासपोर्ट चेंज हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं हम फेसबुक के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं, ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट कर दिया तो मेरा पासपोर्ट चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पर आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल कॉन्टेंट देखने को मिलता रहेगा। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।